वेलकम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रशांत दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं कैलेंडर के तीन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आ चुका हूं और उसको मैंने 80-90% टॉपिक पूरा कवर कराया और आप लोग के माध्यम से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और कुछ बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते चले जा रहे हैं, मुझे जानकर काफ़ी खुशी हुई। मैं रीजनिंग का ही एक सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूं। जैसे मैंने कैलेंडर एंड किया, आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं इनइक्वलिटी या असमानता की जांच पढ़ाने वाला हूं। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, ये बैंक के किसी भी एग्जाम में, पीओ हो या क्लर्क लेवल का हो, 5 प्रश्न आते ही हैं। अगर इनइक्वलिटी का आप मेरा जितने ही पार्ट आने वाले हैं उसको ध्यान से देखेंगे तो हर प्रश्न आप परीक्षक बनेंगे। आप रेलवे का एग्जाम निकाल के देख लीजिए, लोको पायलट देख लीजिए या जो भी एग्जाम हुए हैं, इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न अवश्य आए हैं। उसके अलावा हमारा CGPSC इसका कोडेड बेस्ड, कोड वाला, कोड पर आधारित एक प्रश्न 5 से 6 प्रश्न पूछा था हमारे CGPSC में। तो नेक्स्ट पार्ट में कोड वाला करेंगे। तो पहले आज के क्लास में केवल बेसिक समझेंगे। जैसे कि आपने कैलेंडर भी देखा था तो पहले पार्ट में केवल बेसिक समझाने का प्रयास किया था। किसी भी टॉपिक का, वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, अगर हमको बेसिक पता है, हम उसका मूल संकल्पना जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, बेसिक जानते हैं, तो कठिन से कठिन प्रश्न हमसे बनते हैं। लेकिन उस कठिन प्रश्नों को बनाने के लिए हमको इजी प्रश्न या बेसिक प्रश्न समझना बड़ा जरूरी है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ इनइक्वलिटी या रीजनिंग का। हमारे यूट्यूब चैनल का दूसरा टॉपिक है कैलेंडर, मैंने 3 पार्ट खत्म कर रखा है। अब समझते हैं इनइक्वलिटी, असमानता क्या है। तो असमानता ये 5 सिंबल पे बेस्ड है, समझेंगे। ये जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं ग्रेटर या बड़ा। ये वाले चिन्ह को कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, बड़ा या बराबर। ये चिन्ह लेजर, छोटा। ये चिन्ह लेजर देन और इक्वल, छोटा या बराबर। ये क्या है भैया? बराबर। ये 5 सिंबल पर बेस्ड है। अब समझेंगे। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं लिख दिया इस प्रकार से एग्जाम्पल, तो इसका अर्थ क्या है सर? तो ए बी से बड़ा है। मैं लिख दूं ऐसा तो मैं कहूंगा ए बी से छोटा है। इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। इसके प्रश्न आते कैसे हैं सर? तो इसका प्रश्न है कथन और हमारा निष्कर्ष के माध्यम से आता है। आपको एक स्टेटमेंट देगा और नीचे में कॉन्क्लूजन देगा, निष्कर्ष। निष्कर्ष कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकते हैं। तो कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन के माध्यम से पूछे जाते हैं। मैं एक छोटा सा बेसिक समझा रहा हूं, अगर उस बेसिक को ध्यान समझे तो इनइक्वलिटी का पूरे पार्ट जितने भी टाइप होंगे वो टाइप आपसे अवश्य बनेंगे। अब समझेंगे बात को ध्यान से। सबसे पहले 2 प्रकार का सिंबल होता है, एक होता है ग्रेटर वाला और एक होता है छोटा वाला, मतलब लेजर वाला, है ना। मैं बायलिंगुअल ही पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं इंग्लिश में तो बोलूंगा हिंदी में, अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश से बोलूंगा, समझेंगे। ग्रेटर, सबसे पहले ध्यान समझना, अगर ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये तीनों सिंबल एक साथ आता है, समझेंगे बात ध्यान से। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये तीनों सिंबल एक साथ आते हैं तो हमेशा क्या साइन लेंगे? तो हम हमेशा क्या ग्रेटर का साइन लेंगे। फिर समझा रहा हूं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल आता है तीनों, तो हमेशा किसको लेंगे? ग्रेटर लेंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे समझाऊंगा, पहले समझ लें। दूसरा, अगर ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आया तो हमेशा किसको लेंगे? ग्रेटर, मतलब ये दोनों आएगा तो हमेशा हावी कौन रहेगा? ग्रेटर रहेगा। तीसरा लेंगे, अगर मैं ग्रेटर और इक्वल लिया तो भी हमेशा कौन हावी रहेगा? ग्रेटर हावी रहेगा। अगर चौथा मैं कहूं ग्रेटर इक्वल और इक्वल आया तो हमेशा किसको लेंगे? ग्रेटर इक्वल। यहां ध्यान देखिए, जहां ग्रेटर आ रहा है वहां हावी ग्रेटर ही हो रहा है। अगर ग्रेटर इक्वल नहीं रहा, मतलब बड़ा बराबर नहीं रहा, सॉरी बड़ा नहीं रहा, तब हमेशा क्या लेंगे? बड़ा बराबर को लेंगे। अब समझते हैं छोटा वाला कॉन्सेप्ट। अगर छोटा रहा, छोटा बराबर रहा और बराबर रहा, तो हमेशा किसको लेंगे? छोटा को ही लेंगे। छोटा रहा और छोटा बराबर रहा तो हमेशा किसको लेंगे? छोटा, लेजर, लेजर इक्वल। तीसरा, अगर छोटा और बराबर रहा तो हमेशा किसको लेंगे? छोटे को ही लेंगे। चौथा, छोटा बराबर और बराबर रहा तो हमेशा किसको लेंगे? छोटे बराबर को लेंगे। मैं दोनों को अलग अलग कर दिया, ग्रेटर को अलग किया हूं, लेजर को अलग किया हूं। तो यहां ध्यान देखो, बड़ा का चिन्ह आया है तो बड़ा ही हावी हुआ है, बड़ा नहीं रहने पर बड़ा बराबर आएगा। छोटा है तो छोटा ही आएगा, अगर छोटा नहीं रहा तो छोटा बराबर आएगा। यहां तक बातें क्लियर? अगर सर छोटा और बड़ा एक साथ आ जाए, बड़ा आ जाए और छोटा आ जाए, तो इसे हम कहते हैं मतभेद। क्या कहते हैं? मतभेद। मतलब जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे तो एक कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब
एक साथ नहीं होगा भाई, जब भी बड़ा छोटा आएगा तो हमेशा उसे क्या मानेंगे, असत्य मानेंगे, गलत मानेंगे। आगे हम चीजों को एग्जांपल के माध्यम समझेंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर हुआ कि ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर होगा, इक्वल रहेगा तो इक्वली होगा, अगर दोनों एक साथ है तो क्या हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा। तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है कैसे बड़ा होगा कैसे छोटा होगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल एक समझाता हूँ, फिर लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल लिया और पहला प्रश्न लेकर समझाता हूँ। तो प्रश्न कैसे रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा, हिंदी में क्या कहते हैं भैया, कथन। मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ, दोनों लिख दिया। मैं क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ, मैं क्वेश्चन ले लूँ कि ए बड़ा है बी से, ग्रेटर इक्वल है सी से, इक्वल देन डी, और मैं ले लिया ग्रेटर देन ई और लेसर देन एफ। मैंने एक प्रश्न लेकर आपको यहां तक समझाया। अब मैं इसके अंदर कॉन्क्लूजन ले लूं या मैं कहूं निष्कर्ष ले लूं, ये निष्कर्ष होंगे क्या, समझेंगे बात ध्यान से। निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, मैं निष्कर्ष अपने मन से बना लूं समझाने के लिए कि ए इज ग्रेटर देन ई, बी इज ग्रेटर इक्वल देन डी, एंड ए इज ग्रेटर देन डी एंड ए इज ग्रेटर या लेसर देन एफ। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया। समझेंगे बातों को ध्यान से। ये हमारा कथन है, इस कथन के अंदर में मान लीजिए हमारे पास पांच निष्कर्ष पूछे गए हैं। अब हमको बताना है कि इन चार निष्कर्ष में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य, कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा। अब समझेंगे बातों को ध्यान से। अब समझें, यहाँ ई के सामने बड़े का चिन्ह है तो यहाँ भी बड़े का चिन्ह है तो इसलिए सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमको ए से लेकर ई तक जाना है और ई से ई तक जाने के दौरान जो जो सिंबल आएगा उन सिंबल को ध्यान रखना है। ए से ई जाना है तो ए से ई तक जाने में कौन कौन सा चिन्ह आ रहा है, तो एक बड़ा का चिन्ह आया। बड़े के बाद बी गए तो बी के बाद कैसा चिन्ह आ रहा है, बड़ा बराबर का। फिर कैसा चिन्ह आ रहा है, बराबर का। पहले बड़ा लिए, फिर बड़ा बराबर लिए, फिर बराबर लिए, भाई उसके बाद ई पहुंच गए। अब डी के बाद ही बड़ा है तो दो बार बड़ा आ रहा है, तो बड़ा जो दो बार आएगा उसको एक ही बार लेना है, दो बार नहीं लेना है। अब मुझे बताओ, जब भी बड़ा बड़ा बराबर और बराबर, यहां देखिए बड़ा बड़ा बराबर और बराबर आता है तो हमेशा कौन सा हावी होता है, बड़ा। तो यहां कौन सा आ रहा है जी, बड़ा। तो हम कहेंगे कथन निष्कर्ष नंबर फर्स्ट क्या है, फॉलो कर रहा है। पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, सत्य है। सेकंड देखते हैं बी से डी। अब हम कहां जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी। अब डायरेक्ट बी से डी नहीं जा सकते, लिंक के साथ ही जाएंगे। तो बी के बाद कैसा चिन्ह आ रहा है, बड़ा बराबर। फिर बड़ा बराबर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, डी पहुंच गए। तो भैया बड़ा बराबर और बराबर रहता है तो हमेशा किसको लेते हैं, बड़ा बराबर। और यहां आप देख सकते हैं कि यहां कौन सा चिन्ह है, बड़ा बराबर, मतलब दूसरा क्या कर रहा है, हमारा अनुसरण करेगा, दूसरा भी क्या है, हमारा सत्य है। तीसरा देखिए, अब मैं ए से डी तक जाऊं, समझेंगे बात को ध्यान से, इसको समझ लिया आखिर प्रश्न बनना ही बनना है। ए से डी तक जाएंगे तो ए के बाद कौन सा चिन्ह आ रहा है जी, हमारा बड़ा। बड़ा के बाद कैसा आ रहा है, बड़ा बराबर। फिर क्या आ रहा है, बराबर। तो बड़ा बड़ा बराबर और बराबर आता है तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, अभी समझाया हूं। तो तीसरा भी क्या होगा जी, हमारा सही होगा। अब समझे, मैं चौथा का पूरा लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। अब मेरे को ए से एफ तक जाना है, जब ए से एफ तक जा रहा हूं तो बड़ा बड़ा बराबर, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर क्या जा रहा है, छोटा। और वही तो मैंने समझाया कि अगर भैया बड़ा और छोटा एक साथ, भैया मैं क्रम से लिखूंगा तो बड़ा और छोटा दोनों आ रहा है ना, तो जहां पर बड़ा और छोटा दोनों आता है उसे हम कहते हैं मतभेद। मतलब चौथा नंबर निष्कर्ष क्या होगा जी, हमारा गलत होगा, चौथा क्या होगा, हमारा अनुसरण नहीं करेगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ जिसको पूछा गया है, जैसे ए से ई तक पूछा गया है तो बीच में जितने भी सिंबल आएंगे उसको क्रम से लिखेंगे। अगर बड़ा है तो बड़ा ही लेंगे, छोटा है छोटा ही लेंगे। अगर दोनों एक साथ आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मतभेद कहते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आया। जैसे कि मैंने आपको इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बताया कि बड़ा रहेगा तो बड़ा ही लेंगे, छोटा रहेगा छोटा ही लेंगे, बड़ा बराबर रहेगा तो बड़ा बराबर लेंगे, छोटा बराबर रहेगा छोटा बराबर लेंगे। उसके अलावा मैंने बताया कि बड़ा छोटा एक साथ आता है तो हम क्या करेंगे, मतभेद होगा। वहां पर दो कथन के बाद जो निष्कर्ष रहेगा हमेशा असत्य रहेगा। उसी पर बेस्ड मैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, जिसको लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। ये दोनों प्रश्न में, इस प्रश्न में और इन प्रश्नों में क्या अलग अलग है, उन बातों को समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, एच से बी, एच से बी का रिलेशन जानना है, एफ से ये एस है, सॉरी यहाँ एफ से एस का रिलेशन जानना है हमको, ठीक। मतलब हम देखिए बात समझिएगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, समझेंगे, बाएं से दाएं ओर का रिलेशन पूछा जा रहा है। यहां देखिए, एस से यू का रिलेशन, टी का पी से रिलेशन, ए का
आर्ट्स रिलेशन, सभी लेफ्ट राइट जा रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं की ओर रिलेशन पूछ रहे हैं। यहां देखिए, डी का ए से, डी का बी से, मतलब इधर दाएं से बाएं आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो हम समझेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर कॉन्सेप्ट क्या होता है और दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हमने जो समझा था उसी पर बेस्ड ये दो क्वेश्चन है, तो पहले इसको हम अच्छे से समझें। एच से बी का रिलेशन पूछा है तो मैंने समझाया था, मैं एक प्रश्न लिखकर समझाऊंगा फिर बाकी को डायरेक्टली समझाते चले जाऊंगा। एच से बी, तो हम देखेंगे एच से बी के बीच में कौन कौन सा चिन्ह आ रहा है, सिंबल आ रहा है। तो यहां देखो, बड़ा बराबर, बड़ा मैं लिख देता हूं, बड़ा बराबर, फिर बड़ा, मैं कहता हूं जो दो बार आएगा उसको नहीं लिखना है, फिर क्या आएगा, बराबर। हमने समझा है तीनों, बड़ा, बड़ा बराबर और बराबर आता है तो हमेशा हावी कौन होगा, बड़ा। तो पहला वाला क्या है, सत्य है। तो हम कहेंगे पहला निष्कर्ष सत्य है, सही अनुसरण कर रहा है। अगला हम देखेंगे कि एफ और एस, एफ एस से छोटा है कि नहीं। तो हम एफ और एस को जरा ध्यान से देखो बात, अब समझेंगे बात ध्यान से। मैं एफ से एस की ओर जा रहा हूं तो ये कह चिन्ह है, बड़ा बराबर, ये कैसा है, बराबर, और ये कैसा है, छोटा बराबर। तो मैंने कहा था जब भी छोटा बड़ा आया वहां हमेशा मतभेद होता है, मतलब दूसरा हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, जहां बड़ा छोटा आया, बड़ा बराबर छोटा बराबर आया, वो हमेशा क्या होता है, असत्य होता है, मतभेद होता है। तो दूसरा हमारा क्या है जी, हमारा गलत है। आते हैं दूसरे प्रश्न पे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा, बस देखते जाइए, देखते देखते सब कुछ समझ में आने लगेगा। S से U का रिलेशन मैं बिना लिखे अब आपको समझना है। S से U जाएंगे तो S से मैं U जा रहा हूं तो S के बाद क्या रहा है, ग्रेटर, फिर क्या रहा है, ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल। तो भैया बताओ, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल आता है तो हमेशा कौन सा होता है, हावी, ग्रेटर। और यहां क्या है, ग्रेटर, मतलब पहला हमारा निष्कर्ष जो है सही है, फर्स्ट फॉलो। सेकंड आते हैं, टी से कहां तक जाना है, पी तक जाना है। तो टी से पी तक जाएंगे तो जरा गौर से देखो, मैं इसको लिख देता हूं, चलिए समझाने के लिए आपको। मैं टी से पी तक जाऊंगा तो पहले किसका चिन्ह है, बराबर, बराबर के बाद लेजर इक्वल, लेजर इक्वल के बाद क्या है, लेजर मतलब छोटा, फिर बराबर, जो दो बार आएगा उसको एक ही बार लेना है। छोटा, छोटा बराबर और बराबर रहता है तो हमेशा किसको लेते हैं, छोटे को लेते हैं। तो मैं कहूंगा दूसरा जो निष्कर्ष है वो भी क्या कर रहा है, हमारा अनुसरण कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तीसरा देखो, ए से कहां तक जाना है, आर तक जाना है। अब देखो यहां पर ए से शुरुआत किया हूं तो बड़ा बराबर है और आर से पहले कैसा है, छोटा बराबर है। तो बड़ा बराबर और छोटा बराबर एक साथ आता है तो हम क्या कहते हैं, मतभेद, मतलब तीसरा हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है, अनुसरण नहीं कर रहा है। तो पहला दूसरा अनुसरण कर रहा है, तीसरा अनुसरण नहीं कर रहा है। तो मैं समझाया जो कॉन्सेप्ट उस पर बेस में दो क्वेश्चन आपको समझाया, उसमें जितने भी हमारे रिलेशन हैं वो कैसे हैं, लेफ्ट टू राइट हैं, मतलब एच से बी जान रहे हैं, एफ से एस जान रहे हैं, एस से यू, मतलब सभी बाएं से दाएं वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहां देखिए, टाइप वन का ए पार्ट, टाइप वन का बी पार्ट का भी मैंने एक दो तीन प्रश्न यहां पर लिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहां देखो, हमको डी से ए का रिलेशन पूछा है, मतलब डी से ए का, अब समझेंगे बात ध्यान से। जब भी हम राइट टू लेफ्ट आए, मतलब राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं आए, मतलब राइट टू लेफ्ट आएंगे, यहां पर क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तब क्या करना है, डी से ए आ रहे हैं तो डी के बाद कैसा चिन्ह है, बराबर का, बराबर तो बराबर ही रहे कुछ भी कर लो, अब समझेंगे बात ध्यान से। सी की बात कहा चिन्ह है, बड़ा बराबर का, तो जब भी पीछे से आएंगे, दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो बड़ा बराबर हमेशा कैसा हो जाएगा, छोटा बराबर, यही ध्यान रखना है, वही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी पीछे से आएंगे, दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो हमेशा जो बड़ा बराबर रहेगा उसके छोटा बराबर कर देंगे और छोटा बराबर रहेगा उसको बड़ा बराबर कर देंगे, छोटा को बड़ा कर देंगे और बड़ा को छोटा, कब करेंगे, जब दाएं से बाएं की ओर आते हैं। अब देखो, बी की बात कहा चिन्ह है, बड़ा का, तो हम क्या कर देंगे, छोटा, छोटा, छोटा बराबर और बराबर, ये तीनों एक साथ आते हैं तो हमेशा कौन सा होता है, छोटा, मतलब पहला हमारा जो निष्कर्ष है क्या है, 100% सही है। देखिए सेम सेम एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। अब देखो, डी से बी आएंगे तो डी से बी आऊंगा तो पहले कैसा चिन्ह है, बराबर का, बराबर के बाद कौन सा चिन्ह आ रहा है, बड़ा बराबर का, लेकिन पीछे से आएंगे तो बड़ा बराबर को हमेशा कैसा कर देंगे, छोटा बराबर, और छोटा बराबर और बराबर होता है तो हमेशा क्या आता है जी, छोटा बराबर। तो हमारा ये भी क्या है, हमारा फॉलो कर रहा है, दूसरा कथन क्या है, सही है। छोटा सा बात ध्यान रखना है जी, अगर बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जो सिंबल है वही लेना है, लेकिन जब भी हम दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो चिन्हों को उल्टा करेंगे, बड़ा को छोटा कर देंगे, छोटा को बड़ा कर देंगे, इतनी सी बात ध्यान में रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने स्टार्टिंग क्लियर किया,
अब देखेंगे, यहां देखिए B से M का रिलेशन, मतलब यहां भी कैसे आ रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहे हैं। तो दाएं से बाएं आने के दौरान पहले क्या है, बराबर, बराबर के बाद क्या है, बड़ा बराबर। तो बड़ा बराबर को हम क्या कर देंगे, छोटा बराबर। छोटा बराबर के बाद क्या आ रहा है, M से पहले बड़ा, बड़ा को छोटा कर देंगे तो क्या आएगा, छोटा। यहां क्या है जी, छोटा। तो पहला जो निष्कर्ष है, कॉन्क्लूजन है, वो फॉलो करता है, सत्य है। दूसरा देखेंगे, S से कहां तक आना है जी हमको, F तक आना है। तो देखो समझना बात ध्यान से, S से शुरुआत किए हैं तो छोटा बराबर, और F से पहले पहुंचते पहुंचते क्या आ गया, बड़ा बराबर। तो यह समझाया हूं कि जहां बड़ा और छोटा आया वो हमेशा मतभेद होगा, मतलब दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा, देखने का सकता ही नहीं है। जहां बड़ा छोटा लगा हमेशा असत्य ही होता है, 100% होता है असत्य। अब देखो, ए से एम तक जाएंगे तो मैंने कहा यहां भी राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं जी। तो ए के बाद कैसा चिन्ह है आपका, बड़ा बराबर, तो इसको ले लेंगे छोटा बराबर। ए से एम आ रहा है ना, तो ए से एफ पहुंच गए, फिर एफ से एम आएंगे तो कैसा चिन्ह है, बड़ा का, तो बड़ा को क्या कर देंगे, छोटा। और बड़ा बराबर और छोटा जब भी एक साथ आता है तो कौन हावी होता है, छोटा। तो यहां छोटा है तो हम क्या कहेंगे, तीसरा निष्कर्ष जो है हमारा वो क्या है, सत्य है। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट टू राइट आएंगे तो जो सिंबल रहेगा उसी को लेंगे, लेकिन अगर पीछे से आए, दाएं से बाएं आएंगे, तो सिंबल को उल्टा करते चला जाएंगे। अब इस पार्ट को हम समझेंगे। देखो ये जो प्रश्न है इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी और ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों से आंसर निकलेगा, है ना, चलिए समझेंगे। अब देखिए जरा बात ध्यान से, S से P जा रहे हैं, सॉरी पहले निष्कर्ष में कहां जा रहे हैं, P से S, मतलब पहले वाले में कैसे आ रहे हैं, पीछे से, मतलब दाएं से बाएं की ओर आ रहे हैं। तो दाएं से बाएं जब भी आते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह को उल्टा करते हैं। अब समझने लगे होंगे जी आप लोग, है ना। तो P से S जा रहे हैं कैसा है, बराबर, बराबर के बाद ये बड़ा बराबर है तो क्या कर लेंगे, छोटा बराबर, सॉरी छोटा है तो क्या कर लेंगे, बड़ा बराबर, और ये छोटा है जिसे क्या कर लेंगे जी, बड़ा कर लेंगे। तो ये तीनों सिंबल एक साथ आता है तो हमेशा क्या होगा जी, बड़ा ही हावी होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, बड़ा बराबर। तो पहला कथन क्या है हमारा, गलत है, पहला अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा जरा ध्यान से देखिए, आई से आर, आई से आर, देखिए पहले में पी से एस, दाएं से बाएं पूछा था तो साइन को उल्टा किए। सेकेंड कॉन्क्लूजन में क्या है, आई से आर देखना है, मतलब बाएं से दाएं देखना है, सीधा देखना है, आई से आर जा रहे हैं तो जो सिंबल रहेगा वही सिंबल लेंगे। आई के बाद क्या है, बराबर, उसके बाद क्या है, बड़ा बराबर और बराबर, ये तीनों एक साथ आते हैं तो क्या लेंगे, हमेशा बड़ा। तो ये भी क्या है हमारा, सही है। इतना सा ध्यान रखना है, अगर बाएं से दाएं आएंगे तो क्या करना है, सेम सिंबल लेंगे, लेकिन दाएं से बाएं मतलब पीछे तरफ से आएंगे तो साइन को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर हुआ, मैंने दो टॉपिक क्लियर कर दिया। अगला जो समझने वाले हैं इसको एकदम ध्यान समझिएगा, ये हमारे जब भी एग्जाम में कठिन प्रश्न आते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें बाएं से दाएं, दाएं से बाएं दोनों तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हमको लिंक ढूंढना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसका ट्विस्ट समझाऊं, लिंक कैसे, जैसे मान लो मुझे सीएम साहब, सीएम सर से मिलना है, तो सीएम सर से डायरेक्ट मिलने मिलेगा क्या, नहीं मिलने मिलेगा। तो मुझे सीएम सर से मिलना है तो सबसे पहले पता करूंगा कि उनके पीए को कौन जानता है, है ना, तो उनके पीए को कौन जानता होगा, हो सकता है कोई मित्र होगा, उस मित्र के पास जाऊंगा, वो मित्र मेरे को उन पीए के पास ले जाएगा और पीए के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री या सीएम सर के पास पहुंच पाऊंगा। वही रूल इन क्वेश्चंस पे लागू होगा। जैसे देखो इन प्रश्न में एक ठो यहां पर देखो लिंक बना हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क लिंक बना हुआ है, ये कोई सिंबल नहीं है, वो बीच में उसको ब्रेक कर रहा है। उस लिंक तक कैसे पहुंचेंगे, उस तरीकों को हम ध्यान समझेंगे। अब समझिएगा ध्यान से, मेरे को टी से किसके पास जाना है, बी तक जाना है, समझेंगे बात, टी से किसके पास जाना है, बी के पास जाना है। अब यही देखना है हमको कि यहां से तो भी कोई लिंक नहीं दिख रहा है टी से बी तक जाने का, तो मैं देखूंगा बी तक मेरे को कौन पहुंचा सकता है। तो टी को जानता है ए, या हम कह सकते हैं टी ए से लिंक्ड है और ए के माध्यम से मैं बी तक जा सकता हूं। फिर समझाता हूं, मेरे को टी से बी तक जाना है तो मैं देखूंगा कि बी को कौन जानता है, तो बी को कौन जानता है भाई, ई और ए, तो ई और ए में टी किसको जानता है, तो ए को जानता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं टी से ए की ओर जाऊंगा, जब मैं टी से ए की ओर जा रहा हूं तो ये वाला रूल लग रहा है, बाएं से दाएं जा रहा हूं, समझेंगे बात। तो टी से ए तक गया तो कैसा चिन्ह है हमारा, छोटा बराबर का। अब देखो ए यहां पास भी है, कॉमन फ्रेंड आ गया, समझ सकते हैं कॉमन, तब ए से किसके पास जाएंगे, बी के पास जाएंगे। तो यही थोड़ा ट्विस्ट है, समझेंगे बात ध्यान से, यहां गया हूं लेफ्ट टू राइट तो साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ए से बी तक आ रहा हूं तो दाएं से बाएं आ रहा हूं तो साइन क्या होगा जी, उल्टा होगा, समझ रहे होंगे अच्छे से।
तो ये वाला साइन इधर से आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, बड़ा बराबर छोटा बराबर हो गया जी, और ये बड़ा है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये तीनों एक साथ आता है तो हमेशा क्या होगा, छोटा, जो दो बार होता है उसको एक ही बार लेते हैं, है ना। तो छोटा और छोटा बराबर हमेशा क्या आएगा, छोटा। तो हम कहेंगे पहला कथन जो है हमारा, पहला निष्कर्ष जो है हमारा वो सत्य है। दूसरा देखेंगे, ध्यान समझेंगे जी। अब एल को किसके पास जाना है, तो टी के पास जाना है, ठीक। अब यहां भी देखो, एल को टी के पास जाना है, लेकिन कॉमा तो भैया कोई सिंबल होता नहीं है, या तो बड़े जा सकते हैं छोटे जा सकते हैं, तो ऐसा कॉमा को तो क्रॉस कर सकते नहीं हमारे रूल, हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो एल से पहले जाऊंगा किसके पास, ए के पास, फिर ए से किसके पास जाऊंगा, टी के पास, है ना। समझेंगे बात ध्यान से। जब मैं एल से ए तक जा रहा हूं तो उल्टा आ रहा हूं, तो उल्टा भैया सिंबल चेंज होगा, समझे हैं। तो ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मैं ए पहुंच गया, ए मतलब कॉमन ए यहां पर, ए से कहां जाऊंगा मैं, टी के पास जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है ना। पहले मैं गया एल से ए गया, मतलब दाएं से बाएं गया, उल्टा गया तो साइन चेंज कर दिया। अब ए से टी जाऊंगा तो भी साइन उल्टा होगा। ये छोटा है, छोटा बराबर है, ये क्या हो गया, बड़ा बराबर। बड़ा और बड़ा बराबर हमेशा क्या होता है जी, बड़ा। मतलब दूसरा निष्कर्ष भी क्या है हमारा, सही है। कथन एक, निष्कर्ष प्रथम और निष्कर्ष द्वितीय, दोनों क्या है हमारे, सत्य हैं। दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसी पर बेस्ड लिंक वाला, इसको हम कह सकते हैं लिंक्ड बेस्ड क्वेश्चन, मतलब लिंक ढूंढना होता है। तो इसको भी इसी रूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं या बैंक के एग्जाम होते हैं, खासकर इस तरह के प्रश्न इसी प्रकार आते हैं, है ना। जो इन दोनों का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा, इसको ध्यान समझना। अब मेरे को एल और पी का रिलेशन ढूंढना है, और यहाँ देख रहे होगे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पास क्या है जी, कॉमा है, और कॉमा को क्रॉस किया नहीं जा सकता। यहाँ भी देखो कॉमा है, है ना, कॉमा को क्रॉस किया नहीं जा सकता। कॉमा क्रॉस करने के लिए लिंक ढूंढना पड़ता है। अब समझेंगे, एल से पी तक जाने के लिए यहाँ कॉमा है, तो मैं देखूंगा पी को कौन कौन जानता है। तो पी को जानता है क्यू या ओ और एम, लेकिन बात यह उठता है कि एल को कौन कौन जानता है। तो देखो यहाँ पास क्या है, M, तो M के माध्यम से मैं P तक जा सकता हूँ, लेकिन M मैं किसके थ्रू जाऊँगा, L और M, समझेंगे बात ध्यान से। तो जब मैं L से M गया, तो बाएं से दाएं गया, लेफ्ट टू राइट गया, तो कैसा सिंबल है जी, ये स्मॉलर का सिंबल है। L से M, अब मैं M यहाँ पहुँच गया, अब M से सीधा, क्योंकि ये भी लेफ्ट टू राइट है, तो पहले क्या है, इक्वल्स टू, फिर क्या आ रहा है हमारा, ग्रेटर देना, लेजर आ रहा है, ये लेजर आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो हमसे क्या होगा, मतभेद। तो मैं कहूँगा निष्कर्ष नंबर पहला क्या है हमारा, गलत है, ये अनुसरण नहीं करता है, ठीक है जी। चलिए सेकंड देखेंगे, पी छोटा है एन से, कैसे समझेंगे, चलिए समझते हैं ध्यान से। पी को जाना है एन तक, अब एन तक कौन पहुँचा सकता है, केवल और केवल उसको एम पहुँचा सकता है। सबसे पहले मैं P से M तक जाऊंगा, तो उल्टा आ रहा हूँ ना, उल्टा आ रहा हूँ तो साइन को उल्टा करूंगा जी, समझेंगे बात ध्यान से। पीछे से आएंगे तो हमेशा साइन को उल्टा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो हमारा क्या है जी, ग्रेटर है, तो इस ग्रेटर या बड़ा को सबसे पहले क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, उल्टा आ रहे हैं क्योंकि। अब बराबर को भैया उल्टा करो या सीधा करो, बराबर तो बराबर ही रहना है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। अब हम कहाँ पहुँच गए, एम तक पहुँच गए। अब एम के माध्यम से कहाँ जाएंगे, एन तक जाएंगे। तो भैया यहाँ पर सीधा जा रहा है ना, तो सीधा जा रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा, यहाँ पर ग्रेटर ही रहेगा। तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल रहता है, तो हमेशा क्या आता है, ग्रेटर ही आता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार इन चीज़ों को समझ लिए। तो हमने इस इनइक्वलिटी में हम समझे कि ग्रेटर और लेजर किस प्रकार होता है। अगर ग्रेटर आया तो ग्रेटर हावी होगा, लेजर आया तो लेजर हावी होगा, और दोनों एक साथ आते हैं तब क्या होगा, मतभेद होगा। मतलब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हमारा जो निष्कर्ष है वो गलत है। तो पहले वाले में हमने देखा क्या था, लेफ्ट टू राइट। दूसरे वाले हमने क्या देखा, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट आएंगे तो साइन को उल्टा करेंगे। उसके बाद हम देखे हैं लिंक, लिंक ढूंढ ढूंढ के जाना है हमको, और लिंक ढूंढने के दौरान हमको देखना है कि भैया राइट टू लेफ्ट जाना है या लेफ्ट टू राइट जाना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं लिंक वाला, ये बड़ा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पूछा गया था, तो लास्ट क्वेश्चन करा दूं आपको, फिर आगे आने वाले पार्ट में कुछ एग्जाम्स क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, है ना, समझेंगे। अभी हमने समझा लेफ्ट टू राइट सेम सिंबल, राइट टू लेफ्ट सिंबल चेंज, लिंक में लेफ्ट राइट दोनों कॉन्सेप्ट लगेगा, बस लिंक ढूंढना होता है। अब देखिए एम से लेकर डी तक जाना है, तो एम से यहाँ बीच में कॉमा आ गया है, जरा देखो, तो डायरेक्ट मैं जा नहीं सकता, तो पहले देखूंगा एम से डी को कौन मिला सकता है। तो एम से डी को मिलाने वाला कौन है भैया, एक पी। तो पहले मैं एम से किसके पास जाऊंगा, पी के पास जाऊंगा। तो पहले एम से
एम के पास, एम से पी के पास जा रहा हूं तो राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं, मतलब पीछे से आ रहा हूं, तो साइन क्या होगा? उल्टा। तो साइन उल्टा होगा तो ये कैसा चिन्ह है? बड़ा, तो ये हो गया छोटा। बराबर को तो भैया बराबर ही रहेगा, तो मैं पहुंच गया पी के पास। अब पी से किसके पास जाऊंगा? डी के पास, तो उल्टा आ रहा हूं, तो ये जो बड़ा बराबर है कैसा हो जाएगा? छोटा बराबर। छोटा छोटा बराबर और बराबर अगर आता है तो हमेशा क्या होगा? छोटा। मतलब पहला निष्कर्ष हमारा क्या है? सत्य है, सही है या फॉलो करता है। अब ध्यान रखेंगे सेकेंड का, आप देखेंगे एम से मेरे को जाना है सी के पास। अब एम के से सी के पास जाना है और सी को केवल और केवल कौन मेरे को लिंक कर सकता है? तो आई लिंक कर सकता है। तो मैं एम से आई के पास जाऊंगा, फिर आई मेरे को सी से लिंक करा देगा। तो एम से आई के पास जा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर सिंबल लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, सीधा सीधा जा रहा हूं, तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लूंगा। बड़ा, बड़ा बराबर, आई पहुंच गया, आई से भी सीधा ही जा रहा हूं, तो आई के बाद कैसा चिन्ह है? बड़ा कही है। तो भैया बड़ा और बड़ा बराबर, अब बड़ा दो बार आ रहा है, एक बार लेना है, सिखा रखा हूं। तो बड़ा और बड़ा बराबर आता तो हमेशा किसको लेंगे? सॉरी, छोटा और छोटा बराबर होगा तो हमेशा किसको लेंगे? छोटा को लेंगे। तो दूसरा भी हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या है? सही है। अब हम देखते हैं तीसरा, एन से किस कहां तक जाना है हमको? सी के पास जाना है। तो जरा गौर से देखो, एन कहां पास है हमारे पास? यहां है। एन को सी के पास जाना है, सी किससे लिंक है? आई से लिंक है। तो हम एन से पहले किसके पास जाएंगे? आई के पास। तो एन से आई गया मतलब उल्टा गया, तो ये बड़ा का चिन्ह है, तो कैसा चिन्ह हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा आ रहा है, समझे थोड़ी देर पहले। आई से फिर किसके पास जाऊंगा मैं? सी के पास जाऊंगा, तो सी के पास जा रहा हूं जी, तो सीधा जा रहा हूं, तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह ही रहेगा। तो बड़ा है तो बड़ा आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। तो तीसरा जो मेरा निष्कर्ष है वो क्या है? गलत है। तो आज के पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं, आगे आने वाले इनइक्वलिटी पार्ट में हम एदर और हमारा कोडेड बेस्ड जो CGPSC पूछा था उस पर, और कुछ डिफरेंट केसेस वाले प्रश्न होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेंगे, मैं एक छोटे से वीडियो में लगभग पूरी चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ हर टाइप के प्रश्न, तो आप इसको पढ़िए और जो बुक होगा उसे आप प्रश्न लगाइए, 100% प्रश्न बनेंगे आपके, 90% से लेकर हर एक प्रश्न आपसे बनने वाले हैं इससे। और अगले पार्ट में कोशिश करूंगा मैं इनइक्वलिटी पूरा पूरा खत्म कर दूं, और मैं आशा करता हूं हमको अच्छे समझ में आया होगा। बस आप देखिए, नोट्स बनाइए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आपका रीजनिंग के जितने पार्ट में पढ़ाऊंगा उन चीज़ों को कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, तो आप ध्यान से पढ़िए। और हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।